राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि बाल गणेश कहते हैं, क्या किसी भी देवता के पास ऐसा कोई शस्त्र है जो त्रिशूल से अधिक शक्तिशाली हो? मुझे ऐसा अस्त्र खेलने के लिए चाहिए जो बड़ा और अधिक शक्तिशाली हो त्रिशूल से। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, किंतु गणेश, ऐसा संसार में किसी के पास भी अस्त्र नहीं है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं, देवराज इंद्र, गणेश की बातें मन पर मत लीजिएगा। बालक है, बाल हट कर बैठता है। आप लोग भोजन स्थल पर चलिए ना, भोजन ग्रहण कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण के समक्ष अत्यंत क्रोध में आती हैं और देखती हैं कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे होते हैं। और कृष्ण जी कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि तुम यहाँ आ चुकी हो, किंतु आने का मंतव्य क्या है? और तभी राधा कहती हैं, आई तो तुम्हें डांटने थी, किंतु तुम बजा बांसुरी रहे थे और मैं मंत्र मुक्त हो गई, इसलिए सब भूल गई। और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, अब ऐसा क्या अपराध कर दिया मैंने जो राधा से डांट खानी पड़ रही है? और तभी राधा कहती, तुमने दोपहर का भोजन क्यों नहीं ग्रहण किया? और तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं, वो तो जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि एक अत्यंत विशेष नौता आया है भोज के लिए। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, जानता था, अन्यथा राधा भोजन के लिए बुलाए और कान्हा ना आए, असंभव। और फिर आगे बलराम दाऊ कहते हैं, तुम पहले मुझे ये बताओ कान्हा, ये किस प्रकार के भोज का निमंत्रण है जिसमें केवल तुम्हें निमंत्रण किया गया है, मुझे नहीं? और तभी राधा कहती हैं, हाँ, मुझे भी क्यों नहीं किया? और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती हैं, कृष्ण, तुम भोज के लिए जा रहे हो और यहाँ जो मैंने खीर बनाई है उसका क्या? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, वो बांध दो, स्वयं भी खाऊंगा, सबको भी खिलाऊंगा और राधा की खीर की प्रशंसा होगी, इससे अधिक सुखद और क्या हो सकता है? और तभी राधा कहती हैं, अच्छा, महाभोग में अपने साथ भोग कौन लेके जाता है? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, आप सबको समय मिल गया यहाँ आने का, आप सबको पता है ना यहाँ कितने कार्य शेष हैं, परंतु आप सब हैं कि कहीं और ही व्यस्त हैं? और तभी नंदी और गणप्रेत कहते हैं, माफ कीजिएगा प्रभु, हम माता और गणेश जी की सेवा में लग गए थे। और तभी महादेव कहते हैं, तो यहाँ कार्य भूल जाओगे, मालूम है ना यहाँ पर कितने कार्य हैं? और तभी महादेव कहते हैं, चलिए लग जाइए अपने अपने कार्य पर। और तभी नंदी और गणप्रेत कहते हैं, क्षमा कीजिएगा प्रभु, अभी कार्य आरंभ नहीं कर सकते। और तभी महादेव कहते हैं, अभी कौन से कार्य शेष हैं कि आपने उन कार्यों के कारण अपने महादेव को ही ना कह दिया? और तभी गणप्रेत और नंदी कहते हैं, कार्य तो पूर्ण हो चुका है, अब तो फल पाने का समय आ गया है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्री कृष्ण जी महाभोज के लिए पहुंच जाते हैं। और तभी बाल गणेश कहते हैं, आप कृष्ण हो ना? और कहते हैं बाल गणेश, जानते हो आप, आपके कारण सब भूखे बैठे हैं। और तभी देवी पार्वती कहती हैं, गणेश, ये कृष्ण है, देवताओं के देवता, इनसे ऐसे बात नहीं करते। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, बाल गणेश कहते हैं, अच्छा, तो आप मेरे मामा हो, प्रणाम मामा श्री। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, प्रणाम भांजे। और फिर बाल गणेश कहते हैं, मामा तो भांजे के लिए भेंट लाते हैं ना, आप क्या लाए हो? और तभी कृष्ण जी कहते हैं, मिष्ठान लाया हूँ, अत्यंत स्वादिष्ट खीर, वो भी राधा के हाथ की बनी हुई। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, राधा के हाथों की खीर मानो अमृत है। और तभी गणेश जी कहते हैं, कहाँ है वो खीर, मैं भी तो जरा चख कर देखूं, इतना अच्छा क्या है उसमें? और तभी कृष्ण जी गणेश जी को खीर देते हैं। और फिर तभी गणेश जी कहते हैं, इतनी सी खीर इतने लोगों के लिए? और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, बस निकालते जाओ और खाते जाओ, ये राधा के हाथ की बनी खीर है, इसमें राधा का प्रेम है, ये कभी समाप्त नहीं होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, तो आज मामा और भांजे का मिलन हुआ है, तो क्यों ना आज भोजन भी साथ में किया जाए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महादेव कहते हैं, अरे विचित्र बालक है, पिता से विवाद करता है, और देखो मामा ने खीर क्या दे दी, उन्हीं का होकर रह गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती सभी को भोजन देती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं,
सर्वप्रथम भोजन पर अधिकार पुत्र का होना चाहिए। और फिर कहते हैं पहले बाल गणेश खाएंगे, तत्पश्चात हम सभी। और तभी गणेश जी कहते हैं मुझे मत परोसिए, मैं नहीं खाऊंगा। और फिर तभी देवी पार्वती कहती हैं इतने प्रेम से बनाया है, क्यों नहीं खाओगे? अभी तो कह रहे थे बहुत भूख लगी है। और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं भूख तो लगी है किंतु पेट तभी भरता है जब पहला कौर अपनी माँ के हाथ से खाऊं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गणेश जी कहते हैं वाह कितनी स्वादिष्ट खीर है, इससे मीठा तो और कुछ खाया ही नहीं जा सकता। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं श्री कृष्ण को चुनौती दे के अच्छा फंस गया मैं, देवी राधा के हाथों की खीर खाने से वंचित रह गया, कितना मन था मेरा इस खीर को खाने का, परंतु ये भाग्य भगवान को भी कहाँ छोड़ता है। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं जो कृष्ण को हानि पहुंचाने का कार्य करता है उसे ही हानि पहुंचती है आराध्य। और तभी महादेव कहते हैं आराध्य ये मत भूलिए कि आप इस समय गणेश के साथ हैं, अब देखते हैं कि वो अपने मामा का क्या हाल करता है। और फिर कृष्ण जी कहते हैं महादेव नटखट तो मैं हूँ, भोले तो आप हैं। कृष्ण जी कहते हैं राधा के हाथ की जितनी स्वादिष्ट खीर है उतना ही स्वादिष्ट बहन पार्वती के हाथ का बना मोदक है, ये मोदक है कहाँ यही सोच रहा हूँ मैं तब से। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती मोदक मंगवाती हैं। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं गणेश मैंने तो सुना था कि मेरा भांजा ऐसा है वैसा है, यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, किंतु एक एक मोदक खाए जा रहे हो, ये सब क्या है? और फिर तभी बाल गणेश कहते हैं आनंद आता है मुझे। और तभी कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम एक एक मोदक नहीं, एक एक मोदक तुम समाप्त करोगे, चट कर जाओगे, अपनी माँ के हाथ के बने मोदक हैं तुम्हारे लिए बने हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कृष्ण जी कहते हैं बाल गणेश से तुम चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, तुम चाहो तो इस सृष्टि को निगल सकते हो, तुम चाहो तो सारा सागर पी सकते हो, बस आवश्यकता है तो संकल्प की। और फिर गणेश जी कहते हैं सच में मैं कुछ भी खा सकता हूँ तो सारे मोदक मैं ही खाऊंगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गणेश जी सारे मोदक खा लेते हैं। और फिर ये देख के नंदी और गणप्रेत कहते हैं गणेश को खाता देखकर मन तृप्त हो गया। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ मित्रों आप लोगों को जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।